तो यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट रेडी किया है, वो ऑप्शन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है मैक्रो। तो इसके लिए हम व्यू में जाएंगे, व्यू के अंदर आपको यहाँ पे मैक्रो का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैक्रो एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे एक्शन को रिकॉर्ड करता है, यानी कि एमएस वर्ड में जो जो काम आप करते हो वो आपके एक्शंस हैं, और मैक्रो वर्ड मैक्रो जो ऑप्शन है वो हमारे उन्हीं एक्शन को रिकॉर्ड करने का काम करता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कर्सर अपना लेफ्ट हैंड साइड रखा, मैक्रो के अंदर गई और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया। मैक्रो के अंदर दो ऑप्शन के थ्रू आप मैक्रो अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक होता है बटन, एक होता है कीबोर्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, सबसे पहले मैक्रो का नाम दे दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट स्टाइल, तो ये मेरे मैक्रो का नाम हो गया। मैं कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और आप यहाँ पे एक शॉर्टकट की प्रेस कर दीजिए, कोई ऐसी शॉर्टकट की आपको देनी है जो एमएस वर्ड में किसी और पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए यूज नहीं होती है। अगर आप वो की दे देंगे जो ऑलरेडी यूज होती है तो उसका यूज यहाँ पे बदल जाएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया कंट्रोल एस, आपको मालूम है कंट्रोल एस से हम सेव करते हैं, अगर मैं कंट्रोल एस से मैक्रो बना देती हूँ तो जब भी मैं कंट्रोल एस करूंगी तो ये मैक्रो चलेगा, या ना कि सेव ऑप्शन आएगा। तो ये ना देकर मान लीजिए मैंने दे दिया ऑल्ट एम, ठीक है, ऑल्ट एम मैंने दे दिया, इसको असाइन कर दीजिए, इसको ओके कर दीजिए। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ जो साइन आ रहा है, एक रेडियो कैसेट का साइन आ रहा है, यानी कि रिकॉर्डिंग का। अब आपको करना क्या है, जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं पैराग्राफ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको बोल्ड कर रही हूँ, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसको इसका मैं साइज इंक्रीज कर रही हूँ कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का साइन यूज करके। ठीक है, सारा काम मैं माउस से कर रही हूँ, कीबोर्ड से कर रही हूँ, माउस का यूज हम नहीं कर रहे। अब अगर आपको लग रहा है कि आपको इतना ही काम करना था, आप मैक्रो में जाइए, यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने स्टॉप रिकॉर्डिंग क्लिक किया, रेडियो वाला जो कैसेट का साइन था वो चला गया है। जो जो काम आपने इस पे किया है वही सब आप इस पे अप्लाई करना चाहते हो पैराग्राफ 2-3 पे, आप यहाँ कर्सर रखो और आपको ऑल्ट एम जो कमांड आपने दबाया था वही आपको प्रेस करना है। तो ये देखिए, मैंने ऑल्ट एम दबाया, कर्सर को यहाँ रखा, ऑल्ट एम दबाया, इजीली आपकी जो भी हेडिंग वेडिंग फॉर्मेटिंग जो भी था इसने उस सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया है। तो जब भी आप कहीं ऑल्ट एम का बटन प्रेस करेंगे तो ऑल्ट एम से आपके ये जो हेडिंग्स हैं इनका फॉन्ट स्टाइल वगैरह बदल जाएगा। मान लीजिए मैं सिंपली पैराग्राफ 4 लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने यहाँ क्लिक किया और ऑल्ट एम का बटन प्रेस करा तो ऑटोमेटिकली मेरा पैराग्राफ 4 स्टाइल में आ चुका है। तो इस तरीके से आप इन सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं।